नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर, आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। जो निशान मिले हैं उसके पीबी हेयर्स पे निशान पाए गए हैं और जो अभी तक परीक्षण रिपोर्ट आई है उसमें ये सिद्ध हुआ है कि वहाँ बलात्कार हुआ है, लेकिन कितने लोगों द्वारा किया गया है इसके बारे में मेडिकल ओपिनियन ली गई, जो अभी जो पोस्टमार्टम पैनल था उससे बातचीत की गई थी, तो उनके द्वारा बताया गया कि जो इंजरीज हैं महिला के जो अंगों पर वो उसमें काफ़ी सिमेट्री है, जिससे लगता है कि जो काटने की मारने की जो क्या कार्रवाई की गई है उस युवती के ऊपर वो एक युवक के द्वारा की गई है, लेकिन जो दूसरी जो इनकी माँ है मृतका की वो भी उसको भी मारा गया है, उनके साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई। क्या एक व्यक्ति इस घटना को अंजाम दे सकता है और पकड़े गए व्यक्ति के शरीर पर भी चोट के प्रतिरोध के निशान है? यह व्यक्ति क्योंकि अनपढ़ है और एक तरफा प्यार करता था, उसे लेकर इस पर जब इसके शरीर की जांच की गई है तो प्राइमरी में सही उस पर कुछ चोटों के निशान हैं जिसको ये स्वयं एडमिट कर रहा है, कुछ इसकी शर्ट पर निशान मिले हैं जिसको ये पान के निशान बता रहा है, लेकिन देखने में वो खून के निशान प्रतीत होते हैं। इनके कपड़े, इनके जितने भी अन्य एविडेंस हैं उनको कलेक्ट कर हम FSL भेज रहे हैं और DNA प्रोफाइलिंग के बाद ये मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन यानी घंटी को दबाएं। धन्यवाद।